हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप मिंगवाल। दोस्तों, यदि आप सीफेरर हैं और आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर ये दोनों अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर डीजी की साइट में आप अपलोड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ये सब करेंगे। देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हो रखा हूँ अपने डीजी की साइट में। आप भी साइन इन करने के बाद सीधे से अपडेट सीफेयर प्रोफाइल पे जाइए। अपडेट सीफेयर प्रोफाइल पे आप जैसे ही जाते हैं दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन जैसे आते हैं रोजी, ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेस्ट टू एड मोर और पासपोर्ट की डिटेल अगर आपको अपडेट करनी है। तो आपको पासपोर्ट नहीं, हमको आज सिग्नेचर और अपना फ़ोटो यहाँ पे मैच करना, अपलोड करना है, क्योंकि स्पेशली आपको जब COP और DC और कोई भी आजकल ऑनलाइन जो भी हमको डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं DG की साइड से अपने SCCW, तो वहाँ पे जब तक आपका फ़ोटो नहीं रहेगा और सिग्नेचर नहीं रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा। और ई लर्निंग में भी आपको जब तक आपका फ़ोटो अपडेट नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे वहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। जो तीसरा लास्ट ऑप्शन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक किया तो आपको डायरेक्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। ये पेज आपने अक्सर देखा होगा। देखिए, ये यहाँ पे लिखा है अपलोड लेटेस्ट फ़ोटो एंड सिग्नेचर इन एवरी 5 ईयर। जी हाँ, आप ऐसा नहीं एक बार आप यहाँ फ़ोटो डायल का आप 10-15 साल भूल गए, नहीं, आपको एवरी 5 ईयर में आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड होने चाहिए। तो आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इनके थोड़ा सा मैनुअल्स हैं, आप पढ़ लें, क्लिक टू रीड, कैसे आप फ़ोटो वगैरह या आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका PDF में बना रखा है कि कैसे फ़ोटो कैसे होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसे सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, ये इसने लिखा है कि मोबाइल से आपके सिग्नेचर स्कैन किए हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली स्कैनर से सिग्नेचर स्कैन होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कैनर जो आपका स्कैन किया हुआ पेपर है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ना कि ब्लैक या कोई कलरफुल। ओके, समथिंग ये नीचे वाला देखिए, ये प्रॉपर स्कैन किया हुआ है। ये देखिए आप, प्रॉपर स्कैन कंप्यूटर से, ऊपर वाला मोबाइल से फ़ोटो खींचा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा, ये इन्होंने साफ लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए, सॉरी, ऐसा सिग्नेचर आपको चाहिए, कुछ इस तरह के फॉर्मेट वो होना चाहिए फ़ोटो। ऐसा देखिए, क्या नहीं होना चाहिए फ़ोटो में, यहाँ पे लिखा है ग्रे बैकग्राउंड का सिग्नेचर यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। देखिए, जिसका बैकग्राउंड ग्रे है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वही फ़ोटो का भी बोला, स्कैन फ़ोटो नहीं चाहिए यहाँ पे, आपको प्रॉपर जैसे डिजिटल फ़ोटो होता है वो फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा है डू नॉट अपलोड स्कैन फ़ोटो और टेक फ़ोटो ऑफ द फ़ोटो, कलेक्ट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटो फ्रॉम द फोटोग्राफर विद वाइट बैकग्राउंड एंड शोइंग 70% आपका फेस वहाँ पे आना चाहिए उस फोटो में और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, समथिंग ऐसा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस गाइडलाइन को जरूर एक बार पढ़ लें, बहुत ही अच्छी जानकारी है। ठीक है, डू नॉट अपलोड फोटो इन टी शर्ट और इन कैजुअल्स, अपलोड फोटो इन प्रॉपर फॉर्मल्स, प्लेन शर्ट एंड कोट। देखा आपने, यहाँ पे लिखा है कि फ़ोटो को कभी भी टी शर्ट और कैजुअल्स में मत खिंचवाइए, आपको प्रॉपर शर्ट में फ़ोटो यहाँ पे लगाना होगा। नेक्स्ट थिंग ये देखिए आप, बहुत ही काम की जानकारी है। लास्ट और सेकंड लास्ट ऑब्जर्वेशन है, डू नॉट अपलोड फोटो लाइक अबव इमेज, आप ऐसा मत करना कि आपने फ़ोटो और सिग्नेचर एक ही साथ अपलोड कर दिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कलेक्ट सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटो फ्रॉम फोटोग्राफर और विथ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए, चेक
चेक्ड शर्ट भी नहीं चलेगा, उसने लिखा है चेक्ड शर्ट भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ये देखिए चेक्ड शर्ट की फ़ोटो भी नहीं चलेगी। और कोशिश करिए कि आपका जो शेविंग की हुई हो आपकी ज़्यादा बड़ी ना हो। अब देखिए गाइडलाइंस हैं फोटो और सिग्नेचर। फोटो मस्ट बी इन कलर। फोटो साइज ये देखिए 35mm x 35mm की होनी चाहिए और मिनिमम 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने ऊपर पूरा ये सब यही है, ठीक है। तो आप इसको एक बार ज़रूर आप इसको पढ़ लें, बहुत ही अच्छी जानकारी है। फिर बता देता हूँ देखिए कैसे कैसा है। ऐसे आपको कुछ सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होंगे, ये देखिए। और फोटो ऐसा वाइट बैकग्राउंड विद प्लेन शर्ट और कोट। आपको ऐसा नहीं चाहिए, टी शर्ट वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे डबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ पे आपने गाइडलाइंस पढ़ ली हैं, अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे फिर भी लिखा है, देखिए उन्होंने पूरा वही लिखा है, सिग्नेचर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। इससे पहले आप अपने मोबाइल में वो सारी फाइल्स अपलोड करके रख लें, अपना सिग्नेचर और एक फ़ोटो आप डिजिटली खींचा हुआ फ़ोटो आप रख लें। तो आपको बताते हैं अभी क्या करना है। यहाँ पे आप नीचे आए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड है तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी रिसेंटली इनको मैं किया है, अभी 5 साल नहीं हुए तो मैं करूँगा नहीं, और मैं ना ही मेरे यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो आपको कुछ नहीं, आपके यहाँ पे अगर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं है तो ये बॉक्स देखिए आप, डॉक्यूमेंट टाइप में जाइए। डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे आपको ये मेरे पे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन मेरे पास है, CDC पेज, पासपोर्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन और रहेगा, उसमें रहेगा सिग्नेचर एंड फोटो। सिग्नेचर और फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मुझे ब्राउज, जैसे आपको यहाँ पे मेरा टार बुक फॉर COP वॉच कीपिंग आ रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे जैसे आप सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा आएगा, फिर आपको सिग्नेचर पे ये ब्राउज पे क्लिक करना है। जैसे वो ब्राउज पे क्लिक करेगा आपको वो आपकी गैलरी में लेके जाएगा जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रखे हुए हैं। तो सपोज आपको मैं दिखाता हूँ फ़ोटो कैसा चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो आपको बताता हूँ, वापस ले जाके एक बार आपको गैलरी में लेके जाता हूँ, आप थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड और आपका फेस 70% दिखना चाहिए, ऐसा आपको फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करना है। और सिग्नेचर कुछ ऐसे होने चाहिए, देखिए ऐसे सिग्नेचर करके आप रखिए ब्लैक पेन से वाइट बैकग्राउंड में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ फ़ोटो चाहिए और ऐसा कुछ सिग्नेचर चाहिए। तो जैसे आप इनको यहाँ पे अपलोड करोगे ब्राउज में, यहाँ पे वो अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका फाइल का नाम। और यहाँ पे सिर्फ आपने अपलोड पे क्लिक करना है, ओनली आपने अपलोड पे क्लिक करना है। एक बार आपको सेम पास सिग्नेचर के लिए अपलोड करना है, फिर वापस आके आपको फिर यहाँ पे आपको जाना है, फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो के लिए ऑप्शन आएगा, फ़ोटो पे क्लिक करिए और यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करिए, ब्राउज दबाइए, आपको गैलरी में लेके जाएगा, वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो बहुत ही ईजी है आपका, विद इन फ्यू आवर्स में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों अपलोड हो जाएगा। तो ये थी भाइयों आज की जानकारी, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि जब तक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा आपको कहीं भी एक्सेस नहीं मिलेगा, आप ई लर्निंग नहीं कर सकते, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा और आपको DC में प्रॉब्लम आएगा, COP में प्रॉब्लम आएगा, आपको जितने भी आजकल STCW कोर्स हो रहे हैं उनमें सब यही फ़ोटो और यही सिग्नेचर आपके यहाँ से वो लोग कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ोटो और सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको एक बार फिर ध्यान से देख लेना कैसे कैसे करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना साइट खोल के ये गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लें। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, इसको शेयर करिए मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।